बीडीएम का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना, कारकुन तमाम रुकावटें हटाकर रेड जोन में दाखिल। जेयूआई कारकुनों ने सरीना चौक पर लगे गेट खोले, पुलिस की रोकने की नाकाम कोशिश। मुल्क भर से मजीद काफले, इस्लामाबाद की जानिब रवाना दवा। पीपल्स पार्टी, एएनपी और उलमा मशाइख काउंसिल भी धरने में शरीक होंगे। चौदह मई गुजर गई, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पंजाब में इलेक्शन न हुए। तीन रुकनी बेंच कुछ देर में इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरख्वास्त पर समाप्त करेगा। वजीर आजम से अटॉर्नी जनरल और कानूनी टीम की मुलाकात, इंतखाबात से मुतालिक केस की समाप्त पर मुशावरत। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आईनी और कानूनी अमूर पर मुशावरत की जाएगी, अदालती फैसलों समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। कौमी असेंबली का इजलास जारी, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 4 बजे होगा। पूरी नून लीग ने नैब का रिमांड काटा और जेलें भी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कहां थी? शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल, कहा ये इमरान खान से कोई तफ्तीश नहीं होने देते, मुमकिन नहीं कि हमारे लिए इंसाफ का निजाम और हो और इमरान के लिए कुछ और। सुप्रीम कोर्ट को अपने रवैये पर आवाम से माफी मांगनी चाहिए। बुशरा बेगम को जेल में डालकर मेरी तजलील की जाएगी, मुझे 10 साल तक जेल में रखने के लिए गद्दारी के कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। इमरान खान का ट्वीट, कहा लंदन का मुकम्मल मंसूबा सामने आ गया, पीटीआई क्यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन किया जाएगा। एविडेंस सफाई मिसल पे आती है तो बिल्कुल उनको अरेस्ट होना चाहिए, अब जब दोबारा पकड़े जाएंगे तो फिर टेस्ट होंगे। हाल तो यही है कि इस जमात को जो है वो कलदम करार दिया जाए। वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह का इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार करने का इंदिया, पीटीआई पर पाबंदी का भी इशारा, कहा पीटीआई कारकुनों को बाकायदा ट्रेनिंग देकर अहदाफ सौंपे गए, सबूत मौजूद है, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। सादात में शरपसंदों ने शहदा की यादगारों को भी ना छोड़ा, पीएफ बेस मियांवाली के अकब में नस्ब तारीखी जहाज को जलाया, सरगोधा में शहदा की यादगार को नुकसान पहुंचाया, बलवाइयों ने जीएचक्यू और पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर भी हमला किया, पिशावर में चागी की यादगार और लाहौर में जना हाउस को भी नजर आतिश किया गया। शरपसंदों ने वतन के लिए जानों का नजराना देने वालों को भी बेहुर्मती का निशाना बनाया, शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाकर सख्त सजा दिलवाई जाएगी। 9 मई का तारीख दिन सियासी शरपसंदों के जमीनों को झिंझोड़ता रहेगा। इमरान खान ने हमेशा तशद्दुद और इंतशार की सियासत की, शरपसंदों ने जिना हाउस को निशाना बनाया, अस्करी अमलाक और तारीखी यादगारों को नुकसान पहुंचाया। मरियम औरंगजेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा इमरान खान को गिरफ्तार करके कोई हदफ हासिल नहीं करना था, नैब ने अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार किया, तहकीकात में इमरान खान को जवाब देना होगा। जिना हाउस लाहौर और रेडियो पाकिस्तान पेशावर आज अवाम के लिए खुल गए, अवाम पीटीआई के शरपसंदों की गई तबाही देख सकेंगे। पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए जिना हाउस में मोमबत्तियां रोशन की गईं, मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। यास्मीन राशिद पुलिस लाइंस अस्पताल मुंतकिल, पुलिस आज सेशन कोर्ट से राहदारी रिमांड लेगी, रिमांड के बाद एटीसी में पेश कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और मुतहदा अरब अमारात के सदर के दरमियान राबता, दो तरफा तावुन बढ़ाने पर इत्तफाक, दिफाई तालुकात और फौजी तावुन पर तबादला ख्याल। आईएमएफ को पाकिस्तान की जानिब से बकिया फाइनेंसिंग की यकीन दहानियों का इंतजार, नवी इक्तिसादी जायजे में नजरसानी शुदा पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद अहम करार दे दिया, बैरूनी शराकत दारों के माली मुआवनत के ऐलान का खैर मकदम, मिनी बाजार तवानाई की कीमतों में एडजस्टमेंट, दरामदी पाबंदियों में कमी, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर इजहार इत्मीनान।
मुल्क भर में डिजिटल मर्दम शुमारी का आज आखिरी रोज, इदारा शुमारियात का तारीख में तौसी से इंकार। एमकेएम का सुस्त मर्दम शुमारी पर तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा, शहरी इलाकों की गिनती में सिंध हुकूमत की मातहत इंतजामिया का किरदार मुतासिबाना है। मखसूस लसानी इकाई की आबादी को ज्यादा दिखाने के लिए सूबाई इंतजामिया साजिशी हरबे इस्तेमाल कर रही है। कराची के इलाके सरजानी की नदी में डूबकर 3 बच्चे जाम बहक। लवाहिकीन के मुताबिक बच्चों को नदी से निकाला तो वो जिंदा थे। इलाके में कोई अस्पताल है ना एम्बुलेंस सर्विस। मोटरसाइकिल पर अब्बासी शहीद अस्पताल लेकर गए मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुल्क के 71 अजला में पोलियो मुहिम का आगाज। 2,30,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुहिम का पहला मरहला 19 मई तक जारी रहेगा। तुर्की में सदारती और पार्लियामानी इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। तैयब अर्दवान और कलिजदार में कांटे का मुकाबला। अब तक कोई उम्मीदवार 50% वोट हासिल न कर सका। 28 मई को रन ऑफ इलेक्शन का इम्कान बढ़ गया। दोनों उम्मीदवार रन ऑफ इलेक्शन के लिए तैयार। पार्लियामान की 600 नशिस्तों के इब्तदाई नतीजे में तैयब अर्दवान की पीपल्स अलायंस को बढ़तरी। मारूफ पाकिस्तानी कोपैमा साजिद सतपारा का एक और कारनामा। मस्नूई ऑक्सीजन के बगैर माउंट एवरेस्ट सर कर ली। यास्मीन राशिद पुलिस लाइंस अस्पताल मुंतकिल। पुलिस आज सेशन कोर्ट से राहदारी रिमांड लेगी। रिमांड के बाद एटीसी में पेश कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और मुतहदा अरब अमारात के सदर के दरमियान राबता। दो तरफा तावुन बढ़ाने पर इत्तफाक। दिफाई तालुकात और फौजी तावुन पर तबादला ख्याल। IMF को पाकिस्तान की जानिब से बकिया फाइनेंसिंग की यकीन दहानियों का इंतजार। नवे इक्तिसादी जायजे में नजरसानी शुदा पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद अहम करार दे दिया। बैरूनी शराकत दारों के माली मुआवनत के ऐलान का खैर मकदम। मिनी बाजार तवानाई की कीमतों में एडजस्टमेंट। दरामदी पाबंदियों में कमी। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर इजहार इत्मीनान। मुल्क भर में डिजिटल मर्दम शुमारी का आज आखिरी रोज, इदारा शुमारियात का तारीख में तौसी से इंकार। एमकेएम का सुस्त मर्दम शुमारी पर तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा, शहरी इलाकों की गिनती में सिंध हुकूमत की मातहत इंतजामिया का किरदार मुतासिबाना है। मखसूस लसानी इकाई की आबादी को ज्यादा दिखाने के लिए सूबाई इंतजामिया साजिशी हरबे इस्तेमाल कर रही है। कराची के इलाके सरजानी की नदी में डूबकर 3 बच्चे जाम बहक। लवाहिकीन के मुताबिक बच्चों को नदी से निकाला तो वो जिंदा थे। इलाके में कोई अस्पताल है ना एम्बुलेंस सर्विस। मोटरसाइकिल पर अब्बासी शहीद अस्पताल लेकर गए मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुल्क के 71 अजला में पोलियो मुहिम का आगाज। 2,30,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुहिम का पहला मरहला 19 मई तक जारी रहेगा।